व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आप में से एक स्टूडेंट ने सेंड किया पढ़ने के बाद में, मुझे काफी अच्छा लगा और ये मुझे फील भी हुआ एकदम जब मैंने इसको पढ़ा कि देखिए मॉर्निंग में मैं आप लोगों के साथ में रहता हूँ डेली, आप लोगों की दिन की शुरुआत मेरे से होती है और मेरे दिन की शुरुआत आप लोगों से होती है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एहसास का एक कनेक्शन सा हो गया है कि कहीं ना कहीं मतलब बड़ा अच्छा सा लगता है कि हाँ यार मेरा वेट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, मैं उनसे मिलूंगा मॉर्निंग में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मोटिवेटिंग सा भी फील होता है जब मुझे ये फील होता है कहीं ना कहीं अंदर से कि आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट मैं भी प्ले कर रहा हूँ। तो ये एक फीलिंग इतनी अच्छी है कि इसका किसी चीज़ के साथ में कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता। यही बस मोटिवेट करती है सारा ये काम करने के लिए। मैं मॉर्निंग में आप लोगों के लिए डेली आता हूँ तो कहीं ना कहीं यही मेरे लिए मोटिवेशन का एक रीज़न है कि मेरी वजह से कहीं ना कहीं कंट्री के किसी कोने में बैठे हुए जो कि रियली में मेरे पास नहीं है पर उसका एहसास हर टाइम मेरे पास रहता है, वो फील करता है इंसान कि हाँ मॉर्निंग में सुनेगा मुझे। जो ये उनकी बात कर रहा हूँ जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मॉर्निंग में नहीं सुनते हैं तो वो इसको दिल से ना लगाइए, पर लेकिन जो सुनते हैं, बात एक्चुअल में यह जो सुनते हैं असली बात यहीं से निकल के आती है। तो कहीं ना कहीं इतना अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा हूं मैं आप लोगों के साथ में, जो भी बात मैं आप लोगों को बोलता हूं आप मानते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि यार देखो मतलब कितना सही एक कनेक्शन हम लोगों का बन गया आपस में। मैंने आप लोग से क्वेश्चंस के बारे में बोला तो आप लोगों ने इतने अच्छे से क्वेश्चंस के पूरे भंडार लगा दिया। आज की डेट में अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर आकर वीडियो के कमेंट बॉक्स को भी पढ़ना स्टार्ट कर देना तो वो एग्जाम क्लियर कर देगा। इतने शानदार शानदार इतने सारे क्वेश्चन आज की डेट में यहाँ पर कमेंट बॉक्स में है और जिस तरीके से आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं, मतलब कितना अच्छा माहौल आप लोगों ने बना दिया है। तो ये देखिए आप लोगों की बदौलत ही ये पॉसिबल हो पाया, मेरे अकेले की बदौलत ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप लोग हम सब मिलकर एक टीम के जरिए से जो काम कर हैं उसी की वजह से काम यहां पर पॉसिबल हो पा रहा है। इतने सारे अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर रहे हैं और जो स्टूडेंट नहीं पोस्ट कर रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पोस्ट नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप लोगों को क्वेश्चन पढ़िए जरूर, ठीक है। और देखिए जो भी पोस्ट करते हैं उनको डेली एक क्वेश्चन चूज करना पड़ता है फिर पोस्ट करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी वो क्वेश्चन तो ऐसा याद हो जाता होगा कि हाँ कि ये क्वेश्चन तो कभी भूलेंगे नहीं। तो डेली भले ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं पर लेकिन अपना क्वेश्चन पोस्ट करने के बाद में आप भी दूसरे के क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, अगर किसी ने कोई गलती कर रखी है तो उसको करेक्ट करा कीजिए। तो इतना शानदार माहौल बना रखा है, इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से हम लोग आगे चलते रहेंगे। और देखिए इतने सारे क्वेश्चन डेली आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज का काम यहीं पर कर देंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग तरीके आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ऐसे इंजॉय करते रहिए और खुश रहिए लाइफ में। 10th of फरवरी है, देख लेते हैं कौन कौन से हमको नैनो मैजिक के आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस करने हैं। PIB ऑल इंडिया रेडियो, कई सारी आर्टिकल आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेंगे और अच्छे से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, काफी इंजॉय आप लोग करेंगे आज का सेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए यहाँ पर लेक्चर है, इसको जाकर जरूर देखिएगा। ज्वाइंट सीटिंग का सेशन का आप लोगों के लिए यहाँ पर ये लेक्चर है, यहाँ पर सारी बातें बताई गई है, ज्वाइंट सीटिंग क्यों बुलाई जाती है, ज्वाइंट सीटिंग का रीजन क्या है, कौन इसको बुलाता है, कौन इसको प्रिजाइड करता है और किन किन कंडीशन में ये बुलाई गई है, आज तक कितनी बार बुलाई जा चुकी है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। पॉलिटी के सारे लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, नीचे वीडियो के जस्ट नीचे आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और लेक्चर को अगर एंड तक देखेंगे तो स्क्रीन पर भी आप लोगों के सामने यहाँ पर लिंक आ जाएगा, आप लोग उस पर भी क्लिक कर डायरेक्ट सारे लेक्चर जाकर देख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक मेले से यहां पर बात की जा रही है इंडिया आर्ट फेयर की, इंडिया आर्ट फेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये स्टार्ट किया गया था 2008 में स्टार्ट किया गया था और यहां पर आप लोगों को मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी तरीके के आर्ट की प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगी, अलग अलग तरीके की पेंटिंग स्कल्पचर आप लोगों को देखने को मिलेगी और अलग तरीके का आर्ट जो परफॉर्मेंस है वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये इंडिया आर्ट फेयर है, देखिए इंडिया का नाम अगर कनेक्ट हो जाता है तो कई बार इस तरीके की चीजें नॉर्मली ऑलवेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कॉमन सेंस आप लोग थोड़ा अगर लगाएंगे तो इस तरीके की चीजें मैक्सिमम आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, ये आप लोग कैपिटल में देखने को मिलेगी। कई बार क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग कुछ भी नहीं पता है तो आप लोग एक गैस लगा सकते हैं, 50% आप लोग का आंसर कहीं ना कहीं सही हो सकता है, 100% की मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस लगाना। कहीं पर छोटी छोटी आप लोग इस ट्रिक अगर ढूंढेंगे तो आप लोग काफी क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाएंगे वहां पर, ठीक है। तो कई तरीके बुक्स यहाँ पर लॉन्च किए जाते हैं, इसके अलावा कई तरीके आप लोगों को आर्ट्स बुक स्टोर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। और अब की बार ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि अब की बार का जो एग्जीबिशन यहाँ पर लगाया जा रहा है वो अब की बार हिस्ट्री का इंडिया का कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न आर्ट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट एग्जीबिशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज तक इतना बड़ा नहीं हुआ था इसकी हिस्ट्री में, जब से 2008 से स्टार्ट किया गया है तो 10 साल बाद यानी कि 2018 में आप लोगों को ये सबसे बड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। डेट क्या है इसकी, 9 से 12 तक है, यानी कि आज है आप लोगों के लिए 10 डेट, तो अभी आप लोगों के यहाँ पर टाइम बाकी है, आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं यहाँ पर ओखला में न्यू दिल्ली में, अगर आप लोग दिल्ली या फिर इसके आसपास रहते हैं तो। ओके, याद रखिएगा लोकेशन और किससे कनेक्टेड है, दो चार बातें आप लोगों इसके बारे में पता होनी चाहिए।
कौन कहता है कि आने वाला टाइम बड़ा ही खतरनाक होने वाला है, आने वाला टाइम बड़ा ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि ऐसी ऐसी खोज आज के डेट में हम लोग कर रहे हैं। किसी के कान में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको अब नया कान भी मिल सकता है, और भी कई सारे यहाँ पर जो बॉडी के पार्ट है उनको बनाया जा रहा है आज के डेट में लेबोरेटरी में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले ये चाइना में बनाया गया था, चाइना के बाद में अब चेन्नई में, तो आप लोग याद रख सकते हैं चेन्नई टू चाइना, तो चाइना के बाद में सीधा चेन्नई में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर ये ईयर डेवलप किया गया है जो साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने मिलकर, ठीक है। तो याद रख सकते हैं आप लोग चेन्नई टू डायरेक्ट चाइना, पहले चाइना में हुआ था अब ये चेन्नई में हुआ है, इस तरीके से जो यहाँ पर ईयर डेवलप किया गया, तो आने वाले टाइम में काफी कुछ आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उठा के उसका कोई भी पार्ट बॉडी का चेंज किया जा सकता है फ्यूचर में। कई तरीके के नए नए स्टेप्स यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो आप लोग ये भी नया एक स्टेप से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। दो डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, एक तो रन और दूसरा JSK। तो ये था यहाँ पर राष्ट्रीय आरोग्य निधि जिसको रन बोला गया, और दूसरा था यहाँ पर ये जनसंख्या स्थिरता कोष, मतलब जनसंख्या को स्थिर रखने वाला कोष, इसके बारे में डिस्कस किया गया था। दोनों ही डिपार्टमेंट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लोज्ड कर दिए गए हैं, और इनके फंक्शन यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंदर। मतलब ये जो दो डिपार्टमेंट थे आप लोगों को देखने को मिलेगा रन और JSK, इनको यहाँ पर बंद कर दिया गया और इसके फंक्शन यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ द फैमिली वेलफेयर के अंदर यहाँ पर डाल दिए गए हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए हल्का सा। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंटर गवर्नमेंटल आप लोगों को कंसल्टेंट देखने को मिलेगा, जिसके बेस पर इस तरीके की बातें इंप्लीमेंट की जा रही है, और विद इन 1 ईयर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर बात की जाए रन के बारे में जिसको बोला जा रहा है राष्ट्रीय आरोग्य निधि, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये किस लिए था यहां पर, तो पहले रन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है एक रजिस्टर्ड सोसाइटी थे जिसके तहत यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया जाता था जो गरीब पेशेंट थे उनको, ठीक है। पर लेकिन अब ये जो काम करेगा यहाँ पर, और बात की जा रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आप लोग काम करेगा, ये कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। सेकंड की बात की जा रही है JSK, ये वाला डिपार्टमेंट था, ये ग्रांट प्रोवाइड कराता था यहाँ पर आप लोग देखने को 100 करोड़ इन अ ईयर 2003 टू रेज द अवेयरनेस फैलाने के लिए, किस तरीके से हम लोग को अपनी पॉपुलेशन स्टेबलाइज करनी है। मतलब जो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है आज के डेट में, आप लोग देख सकते हैं चाइना के बाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी कंट्री में है, और आने वाले टाइम में यह माना जा रहा है कि जल्दी हम लोग चाइना को सरपास करने वाले हैं, इतने ज्यादा हम लोग प्रोग्रेसिव है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको स्टेबलाइज करने के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, तो इसी के लिए यहाँ पर अपलाया जा रहा था JSK। तो इसको बोला नीति आयोग ने, देखिए डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को इतने सारे डिपार्टमेंट बना रखे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक प्रॉपर वे में आप लोगों को एक गाइडलाइन यहाँ पर चाहिए और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इसके लिए होना चाहिए, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर यहां पर काम करेगा, वरना देखिए जितना ज्यादा है आप लोगों को देखने को मिलेगा एक जगह, अगर कहीं पे एक जगह सेंटर पॉइंट रहता है ना, वहां से जितनी ज्यादा एनर्जी निकल पाती है अलग अलग फिर डिवाइड हो जाती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कोई अलग डिपार्टमेंट में कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो ढंग से वर्क नहीं कर पाते हैं। पर लेकिन जब एक जगह उनका पॉइंट आकर मिलता है तो तब सही रहता है। इस तरीके से यहाँ पे छोटे छोटे डिपार्टमेंट है उनको एक ही जगह मर्ज कर दिया गया है, और एक ही मिनिस्ट्री यहाँ पर इनको देखने वाली है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिव्यू किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और उन्होंने 19 ऑटोनोमस जो बॉडी है अंडर द ये यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उसको रिव्यू करने की बात करी है, इसी तरीके से आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। इंडिया और ट्यूनिशिया के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक कोऑपरेशन फॉर द यूथ मैटर के लिए साइन किया गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो आज की डेट में जो यूथ हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा इंडिया के भी और ट्यूनिशिया के भी एक दूसरे के साथ में, ताकि जो भी यहाँ के इनके आइडियाज है, जो भी यहाँ पर इनकी थिंकिंग प्रोसेस है, और जो भी यहाँ पर कल्चर है, वैल्यूज है एक दूसरे की, साथ में एक्सचेंज किया जा सके। तो ये MOU आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और ट्यूनिशिया के बीच में, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ट्यूनिशिया को आप लोग यहाँ पर मैप में भी निहार सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये हो गया इंडिया का। ट्यूनिशिया में आप लोग जाना चाहते हैं तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत से होते हुए यहाँ पर आप लोग ट्यूनिशिया में पहुंचेंगे। तो इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हल्की सी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर ILO के बारे में, ILO की रिकमेंडेशन के बारे में। ILO क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1919 में, आप लोगों को देखने को मिलेगा जनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका आज के डेट में हेडक्वार्टर है। आखिर होती किस लिए है, देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पर भी बात की जाए, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर लेबर की कंडीशन सही नहीं है, मतलब जो वर्क फोर्स होती है उनकी कंडीशन सही नहीं है, तो उसको यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाए, किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए, वर्क की अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, उन सब बातों पर यहाँ पर फोकस देकर चलती है ये। तो रिकमेंडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर 106 जो सेशन हुआ था जनेवा में 2015 में, उसमें यहाँ पर बोला गया था कि जहाँ पर हमारी लेबर फोर्स होती है उनको एक डिसेंट वर्क एनवायरमेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि वो अच्छे से एंजॉय कर सके, और जिनको वर्क नहीं मिल रहा है उनको भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उनको वर्क मिल सके, ठीक है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम फेस करिए, तो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर निकालना चाहिए, और इंडिया भी यहाँ पर इसका पार्ट है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, जो यहाँ पर ये
जो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन थी, कैबिनेट का डिसीजन आया कि इस रिकमेंडेशन को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो ये रिकमेंडेशन जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, रिकमेंडेशन कब थी यहाँ पर, ये सेशन आप लोगों को पता होना चाहिए 106 सेशन जो कि जनेवा का है 2015 का, इसकी ये रिकमेंडेशन है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक अच्छा एनवायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। और नेक्स्ट आप लोगों को ILO के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो किसी भी तरीके से पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाकर या कोई भी काम कर यहाँ पर एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना है। अगर कोई भी यहाँ पर कई बार देखिए क्या होता है, डिजास्टर्स आ जाते हैं कई तरीके, ठीक है ना, कई तरह क्राइसिस आ जाते हैं, तो वहां पर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यहां पर निकाला जाना है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल तभी है जब यहां पर पार्लियामेंट हमारी साथ में मिलकर वर्क करे और पॉलिसी फॉर्मेशन ढंग से किया जाए, और इन सब चीजों का तभी सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सकता है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इंडिया और चाइना का एग्रीमेंट हुआ था अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन, ठीक है, एंड द प्रिवेंशन ऑफ द फिस्कल इवेजन। तो क्या होता है नॉर्मली, देखिए हमारी कंट्री में से या फिर चाइना की कंट्री में से हर एक कंट्री में इस तरीके की एक्टिविटी होती है जहां पर टैक्स ज्यादा है, तो टैक्स चोरी करने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। तो उसी को कि डबल टैक्स से अवॉइड करने के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, इस तरीके एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए जाते हैं ताकि डबल डबल टैक्स का बर्डन न बने। यहाँ पर एक कंट्री में अगर कोई टैक्स पे कर रहा है और सेम कंपनी अगर दूसरी कंट्री में, तो वहां पर भी उसको इतने टैक्स पे करना पड़ता है, तो उससे बचाने के लिए डबल टैक्स अवॉइडेंस दिख रहा है ना, डबल टैक्स को अवॉइड करने की बात यहां पर की जाती है। तो चाइना के साथ में एग्रीमेंट किया गया था, तो इसमें अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है, इसको चेंज करके आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर कि यहां पर एक नए एग्रीमेंट में कुछ बातें यहां पर की जा रही है, इसको अप्रूव कर दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। तो यहां पर कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिस तरीके से टैक्स की जो चोरी है कहीं ना कहीं उस पर भी कंट्रोल किया जाएगा, और फिस्कल इवेजन जो आप लोगों को देखने को मिलता है या फिर डबल टैक्स अवॉइडेंस, दोनों ही बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। किसके साथ में कंट्री, याद रखेगा, चाइना के साथ में। नेक्स्ट बात की जा रही है MOU के बारे में, इंडिया और UK के बारे में। यहाँ पर देखिए, अगर हमारी कंट्री से कोई UK में किसी भी तरीके से जॉब करने जाता है तो कुछ ना कुछ स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर स्किलफुल पर्सन वहां पर जा रहा है तो एक तो इज्जत भी होगी और ऊपर से ढंग से वहां पर काम भी कर पाएगा। अगर कोई भी बिना स्किल वाला इंसान जा रहा है तो उसकी वहां पर इंसल्ट भी होगी और ऊपर से कंट्री का भी नाम बदनाम होगा। तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। यूनाइटेड किंगडम और इंडिया है, दोनों मिलकर यहाँ पर काम करें किस तरीके से स्किल और वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सके, ताकि एक ऐसा एनवायरमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जा सके और यहां पर जो यूथ है उनकी स्किल को इंप्रूव किया जा सके, और एक दूसरे से यहां पर हम लोग इंसानों को चेंज कर सके आराम से, हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जा सके ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए अच्छा वाला, और यहां पर एक अच्छे डिग्निटी वाली उनको लाइफ भी मिल जाए। तो इसी के लिए यहां पर अप्रूव किया गया है ये कि किस तरीके से यहां पर इंडिया और UK के बीच में MOU साइन किया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए यहां पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट में खासकर इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो थोड़ा न्यूज में है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पर मिनीमाता कन्वेंशन की, ठीक है ना, तो मिनीमाता कन्वेंशन ऑन द मरकरी, मरकरी पर यह याद है, ठीक है, मिनीमाता और मरकरी, तो दोनों आप लोग यहाँ पर मैच कर सकते हैं। आखिर है क्या मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट ट्रीटी डिजाइन है जो कि ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अगर मरकरी या मरकरी के कंपाउंड से कोई भी ऐसा इमिशन होता है जो कि हमारी हेल्थ और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। तो इसको हमारी कंट्री ने रेक्टिफाई कर दिया है, अप्रूव कर दिया गया हमारी कंट्री के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया मिनीमाता कन्वेंशन को। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोगों को अगर हिस्ट्री में लेकर चलूं, यूनाइटेड नेशन की ट्रीटी के तहत यहां पर साइन किया गया था, यह आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 अक्टूबर 2013 में। लोकेशन क्या है, लोकेशन है जापान में आप लोगों को देखने को मिलेगा यह हुआ था। तो इसके अलावा जिसको इफेक्टिव किया गया था 16 अगस्त 2017 से इसको इफेक्टिव किया गया था, और अब तक आप लोगों को देखने को मिलेगा 90 डेज आफ्टर रेक्टिफिकेशन एटलीस्ट यहाँ पर 50 स्टेट ऐसे हैं जो यहाँ पर आज के डेट में इसके अंदर आ चुके हैं, पार्टी बन चुके हैं 86 स्टेट, और कंडीशन को यहाँ पर फिट कर रहे हैं 50 स्टेट लगभग, ठीक है। तो इंडिया भी अब इसका पार्ट बन गया है। किस तरीके से यहाँ पर जो इसके अलावा किस तरीके से यहाँ पर अगर कोई यहाँ पर मरकरी जो पारा है इससे अगर कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है इन्वायरमेंट या फिर पर्सन को, तो उसके बारे में यहाँ पर फोकस दिया जाएगा। इसी तरीके पॉलिसी यहाँ पर बनाई जाएगी, मरकरी के जो प्रोडक्ट है उनके बारे में सोचा जाएगा किस तरीके से उनको मैन्युफैक्चर करना है ताकि इन्वायरमेंट और इंसान दोनों पर कम से कम यहाँ पर इंपैक्ट डाले। टेक्नोलॉजी में किस तरीके से यूज किया जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस तरीके से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किस तरीके से प्रमोट इनोवेशन किया जा सकता है ताकि ह्यूमन को किसी भी तरीके का और एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्म न पहुंचे इसकी वजह से। तो ये बातें इसके बारे में कन्वेंशन जरूर याद रखिएगा, कब साइन किया गया, थोड़ी बातें ये भी याद रख सकते हैं। इस तरीके की बातें भी कई बार पूछी जाती है। साइन किया गया था 10 अक्टूबर 2013, लोकेशन कहां थी, लोकेशन थी जापान, ओके। तो याद रखिएगा इसके बारे में, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर बात करूं यहाँ पर मिनीमाता की, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए, एक सिटी जापान में ही है, ठीक है, जापान में एक सिटी है, उसके नाम पर यहाँ पर इसका नाम रख दिया गया है। जिस तरीके से आप लोगों देखते हैं पेरिस पीस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो वो क्या मतलब है उसका, उसका मतलब यह है कि पेरिस में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसीलिए उसके नाम पर उसको नाम रख दिया गया है। तो कई बार ऐसा आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है कि ये क्या बोल दिया यहाँ पर। तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, आप लोग फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले जाएंगे।
नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल के बारे में। आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में कितना ज्यादा बवाल हुआ है कि एनपीए जो है वो कम करना है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जिनका एनपीए बहुत ज्यादा देखने को आप लोगों को मिल रहा था। तो किस तरीके से उस एनपीए को यहां पर कम किया जा सकता है, उसी के यहां पर अमेंडमेंट करने की बात की गई थी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2017 या जिसके तहत यहां पर इसमें चेंज करने की बात की गई। अगर कोई यहां पर किसी के यहां पर इंसॉल्वेंट कोई पर्सन हो रहा है, कोई यहां पर कंपनी इस तरीके का मालवेयर टाइप का इंसान कोई बन जा रहा है, तो किस तरीके से उस मैटर को यहां पर सोल्व किया जाए, तो उसी में क्लैरिटी लाने के लिए यहां पर इसमें अमेंडमेंट किया गया है। हालांकि इस एक्ट को पहले बना दिया गया था, फिर से इसमें अमेंडमेंट करने की बात की गई है ताकि इसके अंदर क्लैरिटी लाई जा सके और जो सही इंसान है उनको तो कम से कम उनको कम से कम सहायता प्रोवाइड कराया जा सके। देखिए कई बार इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और बैंकक्रप्ट हो जाते हैं किसी जेन्युइन रीजन की वजह से, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हर बार कोई ऐसा ही कि फर्जीवाड़ा करके भाग गया पैसे लेके, वो एक अलग बात होती है, कई बार जेन्युइन रीजन की वजह से भी चीजें हो जाती है। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों ने कहानी भी सुनी होगी, एक और कहानी सुनी होगी, एक गीदड़ कोई एक बच्चा था, वो हर बार चिल्लाया करता था गांव के बाहर जाके, गीदड़ आया, ठीक है। और फिर क्या बोलता था, जब गांव वाले इकट्ठा हो जाते थे तो फिर बोलता था मैं तो मजाक कर रहा था। कई बार ऐसा होता रहता, मजाक कर रहा था लेकिन रियलिटी में आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर ऐसा नहीं कि हर एक इंसान यहां पर पैसा लेके भाग ही रहा है, कुछ ऐसे भी है जो रियलिटी में यहां पर उसमें फंस जाते हैं। तो ऐसा भी कुछ आप लोग यहां पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर किसी को रियली यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गई है किसी पर्सन की और कोई उसकी कंडीशन ऐसी थी तो उनको भी यहां पर किस तरीके से बचाया जा सके, और जो रियलिटी में यहां पर उसमें अपना जो जानबूझकर उसमें निकला है, जानबूझकर उसमें घुसाया जाकर अपने आप को जानबूझकर उसने बैंकक्रप्ट घोषित किया है, तो उसको पकड़ा जा सके। तो ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी रखने के लिए इस तरीके का स्टेप यहां पर लिया गया है। बात की जा रही है चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी न्यूज में रहता है, खासकर जब बात की जाती है कई तरीके जो स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं खासकर इन पे फोकस देने के लिए। इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज, मतलब छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, कोई अपने घर में छोटा सा उद्योग स्टार्ट करा लेता है, कोई रेडी वगैरह स्टार्ट कर देता है लगाना, कोई मशीन की सिलाई लग के अपना कपड़े सिलने स्टार्ट कर देता है, कई तरीके छोटे छोटे उद्योग होते हैं, तो किस तरीके से उनका जो काम चलता रहता है। इसके अलावा छोटे छोटे उद्योग या फिर बड़े लेवल पर भी आप लोग इनको बोल सकते हैं, अगर बड़े पर कोई काम करना चाहता है, मान लीजिए किसी ने अपने घर में ही कोई ऐसी फैक्ट्री लगा ली जहां पर कपड़े सिले जाते हैं लार्ज स्केल पर, ठीक है। इसी के अलावा किसी ने आप लोग देखने गांव में कोल्लू वगैरह होते हैं इस तरीके का लगा लिया, तो कई तरीके बड़े बड़े उद्योग भी आप लोगों को नॉर्मल देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की जा रही है किसको माइक्रो और किसको स्मॉल और किसको मीडियम बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों को चेंज यहां पर देखने को मिलेगी। अब जिनका टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 5 करोड़ है उनको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा, 5 करोड़ या फिर उससे कम है माइक्रो यहां पर बोला जाएगा उसको, छोटा है मतलब 5 करोड़ से नीचे। स्मॉल किसको बोला जाएगा, जिसका यहां पर मोर देन 5 करोड़ और लेस देन 75 करोड़ इसके बीच में है तो उसको बोला जाएगा स्मॉल, 5 से और 75 के बीच में स्मॉल बोला जाएगा, और मीडियम बोला जाएगा जिसका मोर देन 75, ठीक है ना, और लेस देन 250 करोड़ तो उसको यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको मीडियम बोला जाएगा। और आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए जिसका यहाँ पर टर्नओवर यहाँ पर 250 करोड़ से कम है उस पर आप लोगों को देखने को मिला काफी अब की बार छूट भी दी गई थी बजट में, अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिला 30 से उसका 25 में यहाँ पर ला दिया गया था जो टैक्स का सिस्टम है, ठीक है। ये इंपैक्ट डालेगा बहुत लार्ज स्केल पर ही जो डूइंग बिजनेस करेगा। इसके अलावा कई तरीके आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्म जो है यहाँ पर क्लासिफिकेशन एक अच्छे तरीके यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी के अलावा आप लोगों को न्यू टैक्स जो रिजीम है वो भी यहाँ पर साउंड आप लोगों को नजर आएगा किस तरीके से यहाँ पर इसका किया जाना है। तो किस में था ये आप लोगों को माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइज एक्ट 2006 इसमें ये सारी डेफिनेशन थी जिसमें आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये अप्रूव कर दिया गया है किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा, कि हाँ इसकी डेफिनेशन आप लोग चेंज कर सकते हैं। और ये तो अब आप लोगों को याद हो ही गया है, याद क्या हो गया अब तो आप लोगों को रट गया होगा, इतनी बार मैं भी इसको बता चुका हूँ, बजट वाला लेक्चर लिया था मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, इसके अलावा कई बार लेक्चर में भी इसको रिपीट कर चुका हूँ, अब तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। गलती से मैंने लास्ट लेक्चर में इसको लाख बोल देता है, ये करोड़ है, ठीक है। कई बार छोटी छोटी नंबर्स में मिस्टेक्स कर देता हूं मैं, तो आप लोग उसको याद दिला दिया कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको रेक्टिफाई कर दूं, ओके। तो बात की जा रही है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप लोगों को योजना का नाम याद रखना है। पहले जो टारगेट था यहां पर बोला गया था कि जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो यहां पर करने हैं एलपीजी के जो सिलेंडर होते हैं 5 करोड़ कब तक, 2020 तक। अब ये टारगेट बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया, इसको रिवाइज करके बजट में आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अच्छे खासे यहां पर एलोकेशन होगा। इसके लिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा 4800 करोड़ यहां पर एलोकेशन एडिशनल यहां पर देखने को मिलेगी टू अचीव, जो 2020 तक इसको अचीव करने के लिए, ठीक है। कवर करेगा ऑल एससी एसटी हाउस होल्ड, इसके अलावा आप लोगों प्रधानमंत्री ग्रामीण जो अंत योजना अन्य योजना के अंदर आते हैं, या फॉरेस्ट ड्वेलर जो होते हैं जो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस या फिर टी और द एक्स टी गार्डन वाले जो ट्राइब्स होते हैं खासकर आसाम वाले एरिया में अगर हम लोग फोकस करें, आईलैंड पर कई तरीके इस तरीके आप लोगों को बातें देखने को मिलती है। तो इस तरीके सेक्शन को यहां पर लार्जली फोकस किया जाएगा, जो मतलब हमारी सोसाइटी का जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं
रहते हैं जो ज्यादा इतना सक्षम नहीं है कि अपने आप इस तरीके की एक्टिविटी कर सके, इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपने आप से खरीद सके, तो उन्हीं को ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग, स्कीम के बारे में और कितने से कितना किया गया ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में भी था ये। और टारगेट क्या है 2020 ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इससे रिलेटेड। नेक्स्ट स्कीम है यहाँ पर R&D को बढ़ाने के लिए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम। ये स्कीम्स के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बजट में इसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया था। बात क्या की जा रही है, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया गया इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो स्कीम्स को। आखिर है क्या यहाँ पर, इसके तहत यहाँ पर टोटल आप लोगों को देखने को मिलेगा हर साल 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे जो कि बीटेक फाइनल ईयर में है, आप लोगों को देखने को मिलेगा IITs में या फिर NITs में या फिर बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनमें से 1000 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको आगे उनकी रिसर्च करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, मतलब मैंने आप लोगों को बताया ना रिसर्च वाले फील्ड में घुसाने के लिए स्टूडेंट्स को ये फोकस किया जा रहा है ताकि वह PhD वगैरह में एडमिशन लें और आगे वर्क करें। तो उनको क्या किया जाएगा, ऑफर डायरेक्ट एडमिशन इन PhD IITs ISCs NITs जो इस तरीके हमारे जो रिनाउंस यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है उनमें से डायरेक्ट स्टूडेंट्स को उठाया जाएगा 1000 स्टूडेंट्स को, ठीक है, और उनको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर दिया जाएगा फिर से ISC और आप लोगों को IITs में देखने को मिलेगा जहां से वो PhD कर सकते हैं। तो 5 साल का आप लोगों को टोटल प्रोग्राम देखने को मिलेगा, 5 साल में थे स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 ईयर है आप लोगों को 70,000 rupees यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके अलावा जो थर्ड ईयर है यहाँ पर 75,000 और जहाँ पर फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर है यहाँ पर 80,000 पर मंथ जो है यहाँ पर सैलरी इनको एक तरीके से फेलोशिप आप लोग बोल सकते हैं इसको प्रोवाइड कराई जाएगी। रिसर्च ग्रांट भी दिया जाएगा यहां पर 2 lakh फॉर 5 ईयर, उसमें क्या रहेगा फॉरेन ट्रेवल अगर कोई हो रहा है किसी भी तरीके का रिसर्च में या पेपर में कोई भी खर्चा आ रहा है, सेमिनार्स में कोई खर्चा आ रहा है वो यहाँ पर कवर किया जाएगा। 3 साल के पीरियड के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को 3 साल में 3000 यहाँ पर स्टूडेंट, मतलब पर ईयर 1000 स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिनको सेलेक्ट किए जाएंगे। डेवलपमेंट मतलब थोट एक तरीके से इनोवेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो स्कीम्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये भी काफी न्यूज में थी। नेक्स्ट आप लोगों के सामने बात की जा रही है MSP प्राइस की, जिसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो यहाँ पर ये है मिलिंग कोपरा और बाल कोपरा, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये होता है नॉर्मली आप लोग लड्डू बनाते हैं या फिर आप लोग घर में हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं, जो गोला होता है, जो नारियल होता है ना, जो सूखा हुआ होता है, ठीक है, जो पानी वाला होता है नॉर्मली आप लोग खाते हैं जिसमें से पानी निकाल के होता है मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा आप लोगों को सूखा जिसमें से तेल निकाला जाता है ये देखने को मिलेगा। दोनों के MSP के प्राइस में आप लोगों को यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, यहाँ पर जो था यहाँ पर 1000 की बढ़ोतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी और यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट इतनी ही देखने को मिलेगी, 1000 से थोड़ी सी कम, ठीक है। तो MSP प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मार्केट में अब इससे सस्ते नहीं मिलेंगे, अब मार्केट में इससे ज्यादा ही प्राइस के मिलेंगे ताकि फार्मर की इनकम को डबल अप किया जा सके। ये भी एक डिसीजन देखने को मिला इन दोनों की फसल को इंक्रीज करने के लिए। जाकर दोनों को आप लोग यहां पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, दोनों का नाम सर्च कीजिएगा और आप लोगों को यहां पर पिक्चर भी देखने को मिल जाएगी दोनों की। नॉर्मली समझ में तो आ गया होगा ना, कद्दूकस में कसने के बाद में जब उसको हलवे वगैरह खीर वगैरह में जो नारियल डाला जाता है उसी के बारे में यहां पर जिक्र किया जा रहा है। हेल्थ पर भी अब की बार काफी कुछ फोकस आप लोगों को देखने को मिला, किस तरीके से हेल्थ को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, तो यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिला हेल्थ की फैसिलिटी को बूस्ट अप करने के लिए यहाँ पर एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि अब की बार जो 1920 तक यहाँ पर 14,930 crore यहाँ पर राउंड दिया जाएगा न्यू मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए, जिससे कि अच्छे से यहाँ पर सीट प्रोवाइड कराई जा सके और खासकर ऐसे ऐसे एरिया में कॉलेज खोले जा सके जो कि अंडर रिजर्व्ड है, ठीक, मतलब अच्छे लेवल पर यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके उन वाले एरिया में भी। तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इंक्रीज सीट भी इंक्रीज करनी है लगभग अंडर ग्रेजुएट के लिए 10,000 और इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट के लगभग 8,058, ठीक है, तो इतनी सीटें यहाँ पर इंक्रीज की जाएंगी। और नर्सिंग जो है यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा 112 ऑक्सिलरी नर्सिंग, जो आप लोगों को ANM बोलते हैं जिनको, उनके स्कूल देखने को मिलेंगे या फिर जनरल नर्सिंग मिडवाइफ जो होती हैं उनके आप लोगों को 136 नए स्कूल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ज्यादा लार्ज स्केल पर इंप्रूव जो होता है, देखिए कई बार रूरल एरिया जो आप लोग देखेंगे जहां पर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है डॉक्टर्स की, तो किस तरीके से हम लोग डॉक्टर्स का ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन अपनी कंट्री में कर सकते हैं और हेल्थ की फैसिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, उन सब चीजों पर फोकस देने के लिए यहाँ पर इस तरीके की स्कीम्स यहाँ पर इंप्लीमेंट की जा रही है। तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों का रिविजन भी यहाँ पर हो रहा होगा क्योंकि जो वहां पर बातें मैंने बजट के ड्यूरेशन भी की थी वो बातें आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्स में देखने को मिल रही है, स्कीम का नाम भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा आप लोगों को कई सारी चीजें कि क्या क्या वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, आयुष्मान भारत का यहाँ पर जिक्र किया गया था, स्कीम आप लोग याद रखिएगा, जिसके तहत बोला गया था कि काफी अच्छे लेवल पर यहाँ पर 5 लाख में यहाँ पर बोला गया था कि इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई थी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, 10 crore फैमिली को भी यहाँ पर बोला गया था। तो इस तरीके से बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में यहाँ पर बजट में अनाउंसमेंट किया गया था, ये तो कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ताइवान में आप लोगों को अभी अर्थक्वेक यहाँ पर देखने को मिला था,
काफी अच्छी तीव्रता के यहाँ पर अर्थक्वेक था। ये आखिर क्यों न्यूज डाली है? इसलिए डाली है ताकि आप लोगों के पास में कुछ इन्फॉर्मेशन लिए। अगर कभी भी अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है तो कोशिश करनी है आप लोगों किस तरीके से अपने आप को सेव करना है। जल्दी से जल्दी आप लोगों को टेबल चेयर कहीं पर भी मिले उसके नीचे घुस जाइए ताकि सर पर कोई चोट न लगे। कोशिश कीजिए कि अगर घर के अंदर है तो घर से बाहर निकल जाइए जितनी जल्दी हो सके। आस पास में कोई पार्क हो वहां पर चले जाइए। बिजली के खंभे या कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो इनसे दूर रहे, खासकर रसोई के गैस सिलेंडर वगैरह स्विच वगैरह जल्दी से जल्दी ऑफ करने की कोशिश की जाए। तो इस तरीके आप लोगों को फोकस करने चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, वरना बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। नॉर्मली याद रख सकते हैं आप लोग, बात की जा रही है यहां पर मराठा लाइट इन्फेंट्री, ये लगभग आप लोग देख सकते हैं कितनी पुरानी है, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा 250th ईयर, ठीक है ना। तो एंटर्ड कर चुकी है, लगभग 250 साल पुरानी यहां पर देखने को मिली है। 56 बैटल ऑनर्ड इसको यहां पर मिला है। तो इंडियन आर्मी की ये एक तरीके से इन्फेंट्री है, आप लोगों को पैदल सेना इसको बोलिएगा। तो इस तरीके से आप लोग कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके की बातें आप लोगों से पूछी जा सकती है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनका आप लोगों को आंसर देना है। फर्स्ट यहाँ पर पेलिकन बर्ड फेस्टिवल के बारे में, 2018 में कहाँ पर फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया है। इसके अलावा बिजिएस्ट रनवे एयरपोर्ट आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, अभी लेटेस्ट काफी न्यूज में था ये। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कि ये कौन सी फर्स्ट कंपनी ऐसी है जिसने मोबाइल प्रोड्यूस किया था या इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आप लोगों को देख लेते हैं, जो जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे ये है उनके आंसर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और कितने आप लोग यहां पर मार्क्स मिले हैं ये बताना है, 3 में से आप लोग कितने मार्क्स यहां पर गेन कर पाए हैं, ओके। ऑपरेशन इंसानियत के बारे में जिक्र किया जा रहा है, ऑपरेशन इंसानियत इनमें से कोई भी नहीं है। जी हाँ, आप लोगों को आसपास के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्रिएटिंग रिफ्यूजी शेल्टर इन इंडियन स्टेट, देखिए म्यांमार से रिलेटेड बात की जा रही है, इसी तरीके से रखाइन स्टेट से रिलेटेड बात की जा रही है, मालदीव से रिलेटेड बात की जा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये है जो रिफ्यूजी कम्युनिटी म्यांमार से बांग्लादेश में पहुंची है, ठीक है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके कंडीशन खराब हो गई है, तो बांग्लादेश को असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया गया था हमारी कंट्री पे इंसानियत ऑपरेशन के तहत, ताकि जो जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिला 6,50,000 जो यहां पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी आकर यहां पर रह रही थी म्यांमार में, किस तरीके से उनको यहां पर ढंग से फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है ताकि कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े थे, इस इंसानियत ऑपरेशन के तहत हम लोगों ने उनको कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई थी। नेक्स्ट बात की जा रही है ट्रॉल सिस्टम की, तो ट्रॉल सिस्टम का आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा है क्या। डीआरडीओ के द्वारा यहां पर ये इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया। तो फर्स्ट यहां पर है क्रिएटिंग ए व्हीकल सेफ लाइन थ्रू द माइनफील्ड्स, तो आप लोग इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे किसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात यहां पर कर रहा हूं। इस तरीके का यहां पर सिस्टम डेवलप किया गया, अगर कहीं पर माइनफील्ड है, कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कहीं पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी है कि बम वगैरह वहां पर दबा रखे हैं, तो कोई यहां पर इसके अंदर रहेगा तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके का सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया ताकि फौज को आगे ले जा सके, ताकि इसको आगे ले जा सके, फौज उसके पीछे पीछे आ सके, किसी ने वहां पर माइंस वगैरह कुछ बम वगैरह ना दबा रखे हो, ताकि उनको सेफ एक रास्ता प्रोवाइड कराया जा सके, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर ओनली सही है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज साइन द एमओयू विद विच यूनियन मिनिस्ट्री टू यहां पर आर्ग्यूमेंट द सर्विस फॉर द रेलवे हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल को सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए किसके द्वारा यहां पर एमओयू साइन किया गया, किस मिनिस्ट्री के साथ में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप लोग याद रखेगा 2014 में ये नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, ताकि यहां पर आप लोग देखते हैं एक नेचुरल तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। बताइए कितने आंसर आप लोगों के सही हो और कितने आप लोग यहां पर आंसर सही करने के बाद में आप लोगों के मार्क्स आए हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग एंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने। पहले तो आप लोगों को जॉइंट सीटिंग के बारे में लेक्चर देखना है, जाकर लिंक सारे आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे और लेक्चर के एंड में भी आप लोगों को यहां पर लिंक मिल ही जाएगा। इसके बाद में हम लोगों ने देखा, बात की जा रही थी यहां पर, हम लोगों ने देखा इसके बारे में आर्मी की जो यहां पर मराठा लाइट ये इन्फेंट्री थी, इसके बारे में 250 ईयर यहां पर इसको कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। इसके अलावा आप लोग देखते हैं यहां पर ताइवान में अर्थक्वेक की मैंने बात करी। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला, ये हम लोगों ने देखा इंडिया आर्ट फेयर 2008 जो कि न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है और 9 से 12 फरवरी तक चल रहा है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला इंडिया में भी चाइना में और चेन्नई दोनों में आप लोगों को यहां पर ईयर जो है बना लिए गए हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में इनको लगाया जा सके। नेक्स्ट आप लोगों को रेशनलाइज देखने को मिला, हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत यहां पर 2 डिपार्टमेंट है उनको मर्ज कर दिया गया, और किसके साथ में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तो इस तरीके की बातें कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला इंडिया और टूनिशिया के बारे में यहां पर एमओयू साइन करें, किस तरीके से यूथ जो है हमारी कंट्री के ज्यादा से ज्यादा अच्छे से यूज किए जा सके। बात देखने को मिली आप लोगों को यहां पर किस तरीके से अच्छा वर्कफोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की यहां पर बातें जो थी उनको यहां पर इंप्लीमेंट करने के तहत। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिला इंडिया चाइना का एग्रीमेंट, किस तरीके से हम लोग डबल टैक्स को अवॉइड करने से रोक सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को इंडिया और यूके के बारे में जानने को मिला, किस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं अपने यूथ को।
नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला मिनी माता कन्वेंशन जो कि रिलेटेड टू है मरकरी के बारे में, किस तरीके से मरकरी को हम लोग इन्वायरमेंट और ह्यूमन पे कम से कम इंपैक्ट डाला जाए उससे रोका जा सकता है। नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के बारे में जानने को मिला, किस तरीके से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और चेंज करने की बात चल रही है। यहाँ पर बात की जा रही है एमएसएमई जिसको बोला जाता है माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज, इनका किस तरीके से क्राइटेरिया चेंज करने की बात की जा रही है ताकि और ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि 5 करोड़ से 8 करोड़ हो गया है, लाख नहीं है करोड़ है, फिर से बोल रहा हूं ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फेलोशिप स्कीम जो कि आईटीज से बीटेक वगैरह अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से बीटेक वगैरह की उनको आगे एमटेक वगैरह या फिर पीएचडी वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए आगे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी ठीक है। जिसने अच्छे इंस्टीट्यूट से बीटेक या एमटेक या पीएचडी के लिए प्रोवाइड कराई जाएगी 70, 75 और 80 हजार रुपए फर्स्ट 2 ईयर और इसके बाद में नेक्स्ट 3rd ईयर और 4th और 5th ईयर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, हजार हजार स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये है मिलीकोपा और ये आप लोगों को बेलकोपा, इसके बारे में आप लोगों को बताया, पता होना चाहिए इनका एमएसपी प्राइस यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला आयुष्मान भारत के तहत किस तरीके से हेल्थ की फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी प्रोवाइड करानी है ताकि आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे और ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर आप लोगों के सामने आंसर है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लेक्चर ठीक है। तो अपने आसपास सफाई रखिए और देखिए आसपास में पेड़ों पौधों और पानी को सेव कीजिए और पॉलिथीन जिसको प्लास्टिक आप लोग बोलते हैं उसको यूज कम से कम कीजिए या हो सके तो बिल्कुल यूज मत कीजिए। अपने आसपास कोई यूज करता है तो उसको यूज करने से रोकिए। आप लोगों को पीडीएफ वगैरह यहाँ पर मिल जाती है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें ऑल इंडिया रेडियो राज्यसभा की न्यूज भी मैं डालता हूँ। इसके अलावा फेसबुक पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं और चीजों को शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सबको फायदा हो जाए। अच्छी चीजें हमेशा शेयर किया कीजिए और गलत चीजें आप लोग कभी भी शेयर नहीं करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक भी कर दिया कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।